हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इन सेप्स को समझ सकते हैं, इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ द क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 9 के बारे में दिया गया है कि क्या उसका रिवोल्यूशन होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, और यहाँ पे आवर एंड के बारे में दिया गया है। और आपको पता है कि जब भी हम किसी भी क्लॉक के बारे में अगर बात करें तो 12 यहाँ होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है, राइट। तो 1 के बारे में बात हो रही है और 9 के बारे में बात हो रही है, 1 और 9 के बारे में बात हो रही है, राइट। 1 के बारे में और 9 के बारे में बात हो रही है। तो होगा क्या, यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन ऑज द आवर एंड ऑफ एंड टर्न थ्रो इट्स गोज फ्रॉम आवर एंड, यहाँ से टर्न होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें हमें बतानी है। देखिए हमें पता है बहुत ही क्लियरली कि यहाँ से अगर आप देखें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये टोटल कितने हो गए। यहाँ पे देखोगे कि हाफ हो रहा है कम्प्लीटली, राइट। कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो टू राइट एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, पहला एक तो राइट राइट, यहाँ पे दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक टू राइट एंगल बन रहे हैं, राइट। इसी तरीके से 4 to 7 का हमसे पूछा जा रहा है, तो 4 to 7 में अगर आप देखेंगे तो 4 और 2 7 में देखेंगे वन राइट एंगल बन रहा है, वन राइट एंगल बन रहा है 4 to 7 में, क्योंकि 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है और 9 यहाँ होता है। तो 7 जो होता है 4 to 7 में एक राइट एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली अगर 1 to 9 में देखोगे तो 180 डिग्री, यानी कि दो यहाँ पे राइट एंगल बन रहे थे, 1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक ही राइट एंगल बन रहा है। 7 to 10 के बारे में बात करती है कि राइट एंगल का मतलब समझिए, देखिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और नहीं ये 9 है, तो 7 और ये 10 क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एक राइट एंगल बन रहा है 3/12, राइट। और इसी तरीके से 12 to 9, 12 to 9 की अगर हम बात करें तो थर्ड फोर्थ थ्री राइट एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 12 to 9 की अगर हम बात करते हैं, 3 राइट एंगल्स बन रहा है। देखिए 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 और 9 है, तो ये क्या बन रहा है, 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं, राइट। पहला राइट एंगल तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, तो हर बार में क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 1 to 10 दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है। 1 to 10 में भी सेम वही चीज़ें हो रही हैं, 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं 1 to 10 में भी। जब आप ड्रॉ करके देखोगे तो चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ आएंगी कि यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है। तो 1 to 10, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 राइट एंगल बन रहे हैं, राइट। और 6 to 3 में देखा जाए तो यहाँ भी 3 राइट एंगल बन रहे हैं। और फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है वेयर विल द हैंड एंड क्लॉक स्टॉप इफ, अगर स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज। देखिए क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के पैटर्न को आपको समझने के लिए एक चीज़ समझनी होगी, ये 12 है, ये 6 है और 3 है और ये 9 है। तो क्लॉक वाइज मतलब ये होता है, राइट, और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज स्टार्ट किया गया 12 से और हाफ बना रहे हैं, यानी कि 6 बना रहे हैं, ये कम्प्लीटली यहाँ से आएगा। तो आप कह सकते हो ये चीज़ें हो गई कम्प्लीटली। तो हैंड ऑफ क्लॉक स्टार्ट 12 एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज, दैट मीन्स ट्रेवल फॉर 6 आवर्स, जो कि 6 आवर ट्रेवल कर रहा है, एंड इट विल बी स्टॉप एट 6। वो कहाँ पर रुकेगा, 6 पर जाकर रुकेगा। और इसी तरीके से 2 से स्टार्ट होगा और हाफ बनाएगा तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा और हाफ बनाएगा तो वो 8 पे जाकर के रुकेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 का हाफ, ये देखिए 12 है और ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, तो 2 का हाफ ये हो जाएगा कम्प्लीटली, यहाँ पे 8 होगा, राइट, और यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 7, राइट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ये 2 का बिल्कुल 8 पे जा करके स्टॉप होगा। और 5 से स्टार्ट होगा और 1/4 की बात करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा, 1/4 की बात करेंगे तो 8 पे जा करके वो फिनिश होगा, 5 to 8, राइट। और अगर 3/4 की बात करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा और 2 पे जा करके वो स्टॉप होगा। सो हैंड क्लॉक स्टार्ट एट 5, इट मेक्स 3/4 रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज, दैट मीन्स अ ट्रैवल फॉर 9 आवर्स, सो इट विल स्टॉप एट 2, जो कि 2 पे जाकर के स्टॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉक वाइज एंड और एंटी क्लॉक वाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन एंड वाई नॉट।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शंस विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट? लिखा हुआ ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आप देखोगे कि अगर ईस्ट की तरफ से है और अगर वो फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, हाफ रिवोल्यूशन करेगा, दैट मीन्स वो 180 डिग्री होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो वेस्ट होगा। बहुत सिंपल सा है। देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चंस में अगर जब भी आपसे पूछे जाते हैं ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो अगर ईस्ट में हो आप और अगर आप 180 डिग्री आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप कहाँ पर हो जाओगे, वेस्ट में हो जाओगे, राइट। यहाँ से कहाँ जाओगे, वेस्ट में हो जाओगे। तो ये वेस्ट की तरफ होगा 180 डिग्री की अगर बात कर रहे हैं तो। हाफ ईस्ट से 1.5 पूछा जा रहा है, यानी कि ईस्ट पे अगर एक कंप्लीट होगा तो ईस्ट पे आएगा, फिर हाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 540 होगा तो 360 में कंप्लीट वहीं पे आ जाते हैं घूम करके। फिर देखिए अगर 360 यहाँ पे देखा जाए तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर आप ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो अगर आप 360 कंप्लीट करेंगे तो वापस ईस्ट पे आ जाएंगे, फिर 180 करेंगे तो वेस्ट पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा आपका रिजल्ट, रिजल्ट विल बी वेस्ट। अब लिखा है वेस्ट एंड मेक थर्ड फोर्थ रिवोल्यूशन ऑन एंटी क्लॉकवाइज। अब वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज में जब घूमेंगे ना तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ की तरफ घूम जाएंगे। देखिए चीजें बहुत क्लियर है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपको थर्ड फोर्थ। थर्ड फोर्थ का मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं यहां से अगर देखा जाए तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ आपकी फेसिंग है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, 1, 2 एंड 3, थर्ड फोर्थ ही हो जाएगा, यानी नॉर्थ की तरफ आप आ जाएंगे कम्प्लीटली। और इस तरीके से अगर देखा जाए क्वेश्चन में कि साउथ से एक कंप्लीट फुल रिवोल्यूशन होकर के साउथ पे ही आएगा, यानी कि 360 पे आओगे, तो साउथ पे अगर हो तो आप साउथ पे ही आ जाओगे, साउथ ईस्ट से हो तो ईस्ट पे आओगे। ईस्ट टर्न क्लॉकवाइज फेस नॉर्थ। तो अगर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो थर्ड फोर्थ कंप्लीट कर रहे हो। थर्ड फोर्थ का सिंपल सा लॉजिक है, देखिए अगर आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है ना तो चीज़ें बहुत क्लियरली आप समझ पाओगे। अगर थर्ड फोर्थ का आपसे पूछा जा रहा है तो चीज़ें बहुत ही सिंपल भी हैं और आप इजीली समझ पाओगे कि थर्ड फोर्थ का क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 90 बार में कैंसिल आउट हो जाता है, 360 में कंप्लीट बन जाता है, तो 270 डिग्री का एंगल बनता है। 270 डिग्री का एंगल आप सभी को पता है कि क्या होता है, तो ये 270 डिग्री कवर्ड होगा कंप्लीट रिवोल्यूशन में। और आपको अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन यू हैव टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ से क्लॉकवाइज फेस्ड ईस्ट की तरफ आ रहा है, तो ये भी थर्ड फोर्थ होगा 270 डिग्री का सेम, क्योंकि साउथ की तरफ आप फेस कर रहे हैं और फिर क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो आपका फेस ईस्ट की तरफ जाएगा। और अगर हम देखें वेस्ट से आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, वेस्ट से क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है एक हाफ में, राइट। ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये 90, ये 180, 270 और 360 कंप्लीट हो जाता है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो वेस्ट से टर्न होकर के क्लॉकवाइज वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट से टर्न होकर क्लॉकवाइज ईस्ट पे आ रहा है, तो वेस्ट से ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हाफ रिवोल्यूशन कम्प्लीट हुआ, इसका आधा कम्प्लीट हो गया है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द आवर एंड क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6। 3 to 6 में हाफ रिवोल्यूशन बनेगा, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप 3 to 6 की बात कर रहे हो तो ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 12 होता है और ये 9 होता है। तो 3 to 6 में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 1/4 हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 to 8, तो 2 to 8 में देखोगे हाफ बन रहा है, राइट, और हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। 5 to 11 की अगर हम बात करें तो ये भी हाफ हो रहा है कम्प्लीटली, और यानी कि 181। 10 to 1 की बात करें तो ये भी 1/4 हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप और ई की बात करें 12 to 9, तो ये आप देखोगे कि थर्ड फोर्थ हो रहा है, 9 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, थर्ड फोर्थ हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम 12 to 6 बात करें, ये हाफ होगा कम्प्लीटली, टू दो राइट एंगल्स बनेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि
हाउ मेनी राइट एंगल आप बना कितने बना सकते हैं साउथ से अगर वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप एक ही राइट एंगल बनेगा साउथ से वेस्ट की तरफ आते हैं तो राइट अगर क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो नॉर्थ से टर्न करेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज और ईस्ट की तरफ आएंगे तो देखिए चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएंगी क्योंकि ये है नॉर्थ और ये है साउथ ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब नॉर्थ से आप क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये 90 ये 180 और ये 370 सॉरी 270। अब देखोगे यहाँ पे कि थर्ड फोर्थ हो रहा है और 270 होगा ना कि थर्ड फोर्थ ऑफ रिवोल्यूशन शो द थ्री राइट एंगल बनेंगे पहला यहाँ बनेगा पहला यहाँ पे राइट एंगल आपका बनेगा राइट और दूसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे राइट एंगल आपको बनेगा ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट वेस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे कंप्लीटली एक राइट एंगल बनेगा और चार राइट एंगल बनेंगे 360 डिग्री का क्योंकि वापस आप वेस्ट पे ही आ रहे हो चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। अगर आप साउथ से नॉर्थ आ रहे हो बिल्कुल हाफ बनेगा टू राइट एंगल बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7th की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है वेयर विल द आवर एंड एंड क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट 6 से टर्न करके एक राइट एंगल बनाएगा तो 9 पे जा करके वो रुकेगा राइट। और अगर इसी तरीके से 8 से स्टार्ट होगा और दो राइट एंगल बनाना है तो 8 का ही सीधा हाफ हो जाएगा और 8 से स्टार्ट होकर के 2 पे जाके वो फिनिश होगा तो जा करके हाफ रिवोल्यूशन बनेंगे क्योंकि आपको देखो आपको अगर 8 से स्टार्ट करना है तो 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2 6 आवर्स 8 करना पड़ेगा राइट। अगर आप चाहते हैं दो राइट एंगल्स बने तो इसी तरीके से थ्री राइट एंगल्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कहीं ना कहीं 9 आवर्स वेट करने होंगे। 10 से स्टार्ट करोगे तो 11, 12, 13, 14, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कहाँ हो जाएगा इट विल बी एट 7 कहाँ पे कंप्लीट होगा ये 7 पे कंप्लीट होगा। इसी तरीके से 7 से स्टार्ट करना है दो स्ट्रेट एंगल बनाने हैं तो कंप्लीटली 360 का हो जाएगा यानी कि वापस 7 पे आएगा। और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज थी 5.2 वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच।